अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू द अनदर वीडियो। कैसे हैं सब? ठीक हैं? तो भी ऐसे ठीक है जी। तो यहाँ से हम अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। बारिश के बाद देख लें कि अभी धूप निकली हुई है, देख सकते हैं माशाल्लाह से ये धूप भी निकली हुई है। तो अभी ये देखें यहाँ कितना कीचड़ हुआ पड़ा है, बारिश की वजह से कीचड़ जो हुआ मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो अभी ये पौधे जो है मैं आपको ये देखें इस वक्त जो है ये देखेंगे इस वक्त इस तरफ जो है हमारे इधर धान की फसल है और मूंजी भी कह दें, फसल चावलों की कह दें। और ये मोन्स्टेरा का पौधा है, मोन्स्टेरा डिलीशियस है। वो देखें इसकी वो छली निकल रही है एक, ये देखें एक लग गई है। ये देखें ये आप मोन्स्टेरा ने अपनी छली निकाल ली है और एक वो देखें उसने अपना कवर जो है उसका उतर गया है। और एक ये देखें ये जो छली है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप ये जो छली है ये वाली ये पकी हुई है इस वक्त, इसको हम उतारेंगे बाद में। अब देख सकते हैं बारिश की वजह से जो पानी है कितना खड़ा हुआ हुआ है। तो ये देखें मरवे का पौधा लगा हुआ है, ये नई अपनी फोट निकाल रहा है। ये देखें पांच से कितने छोटे छोटे पत्ते कितने खूबसूरत लगते हैं, ये देख सकते हैं आप ये जो पत्ते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। देखें ये जो मरवे का पौधा है नई नई फोट निकाल रहा है। दोबारा से जो कंगी पाम के पौधे हमने लगाए थे ये भी माशाल्लाह से फोड़ निकालने लग गए हैं, तैयार हो रहे हैं। इस तरफ हमारे पास अमरूद हैं और ये देखें बारिश है, बारिश की वजह से चलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ पड़े। तो ये कुछ पांडा लखड़ा है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप ये एलोवेरा हमारे पास जो पड़ी थी, ये थोड़ा सा गमला जो है इसको अच्छे से खड़ा कर देते हैं। ये देखें हमने गमले को जो ठीक से खड़े कर दिया और ये पानी जो है इस वक्त बारिश का इसके अंदर सारों के अंदर खड़ा हुआ। देखें ये पानी इस वक्त पीछे से जो बंद है ये बारिश की वजह से यहाँ पानी खड़ा है जिसकी वजह से यहाँ कीचड़ हुआ पड़ा है। और ये रही हमारी धान की फसल, इंशाल्लाह जब इधर हार्वेस्ट चलेगा तो अब तब भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे लहदा करते हैं। ये देखें जो दाना है इसमें से पका हुआ है, ये गिर गया है, ये देखें ये देख सकते हैं आप कुछ इसमें से हिस्सा जो है इसका गिर भी गया है। ये देखें कुछ इसमें से इसका हिस्सा जो है गिर गया है और पानी जो है सारा बारिश चूंकि सुबह बहुत ज़्यादा पड़ी उसकी वजह से यहाँ पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया फसलों के अंदर भी। और जो क्योंकि ये गांव के जो रास्ते होते हैं ये कच्चे होते हैं, इधर कीचड़ हो जाता है या चलना भी मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल या कोई भी टायर होता है वो स्लिप करता है। तो इंशाल्लाह अभी 20-25 दिन अभी और लगेंगे इसको इस फसल को चावलों की, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह से जो चावल का साइज है वो अच्छा हुआ है, ये जब हम मुंजी छुड़वाएंगे तब हमें पता चलेगा। जी मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ इसका, एक इसमें से चावल निकाल के ये देखें एक तो आ गया भाई शायद, ये नीचे रखते ये देख सकते हैं आप चावल मैंने इसमें से निकाल लिए एक में से छील कर, तो कैमरे का हाथ से पकड़ा है तो वीडियो नहीं बना सका। ये देख सकते हैं आप ये गिरा हुआ है, इस तरफ जो कनारी एंथस के पौधे हम कटिंग हो रही थी वो भी कटिंग हो रही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखते हैं अभी भी इधर कटिंग हो रही है इन पौधों की और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हो रही है। जी तो यहाँ पर आप अपनी आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।